BitTorrent, Shiba Inu, Baby Dogecoin। अब BitTorrent जो है वो यहाँ पे काफ़ी बर्निंग टॉपिक जो है वो यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो BitTorrent को होल्ड कर रहे हैं और वो लोग मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज करके पूछ रहे कि भाई BitTorrent के बारे में डिटेल में बताइए, साथ ही यहाँ पे Shiba Inu और Baby Dogecoin के साथ भी यहाँ पे कंपेरिजन जो है वो कीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे मुद्दा बात करते हैं तो BitTorrent ने डिनोमिनेशन से पहले जो है वो रिटर्न दिया है, डिनोमिनेशन का बाद से, मतलब जब आपके आपको यहाँ पे डिनोमिनेशन होने से पहले आपका एक कॉइन जो है BitTorrent था और डिनोमिनेशन होने के बाद एक कॉइन के बदले आपको 1000 कॉइन दिया गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको 1000 टाइम्स उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज़ किया गया। तो इसके पहले जो है BitTorrent में काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को मिला, लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक किया, लेकिन उसके बाद से जब से यहाँ पे लेयर टू सॉल्यूशन आया, डिनोमिनेशन होना भी ज़रूरी था क्योंकि जो लेयर टू सॉल्यूशन जो है वो नहीं आ पा रहा था, तो इसीलिए लेयर टू सॉल्यूशन लाने के लिए इसका प्राइस में जो है वो डिक्रीज देखने को मिला, डिनोमिनेशन हुआ, लेकिन उसका बाद से हमको यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं मिला, पूरा कम्प्लीटली जीरो में है, नेगेटिव में यहाँ पे चल रहा है। जिन लोगों ने हाई पे बाई किया था वो अभी कम्प्लीटली यहाँ पे नेगेटिव में है। BitTorrent का मेन बेसिक जो रूल है ना, मेन बेसिक जो उसका की फंक्शन है वो है P2P फाइल शेयरिंग। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में P2P तरीके से फाइल शेयरिंग करना, मतलब कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड ऑथर, कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के परे जाके, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, उन सेंट्रलाइज अथॉरिटीज से परे जाके वो अपना फाइल शेयरिंग में आपको मदद करता है। मान लीजिए आज आपने इंस्टाग्राम से आपने किसी को वीडियो भेजा, तो आपका मीडियम कौन रहा, या पे इंस्टाग्राम रहा, तो इंस्टाग्राम को आपका डेटा जो है वो मिल रहा है। अगर आपने व्हाट्सएप से व्हाट्सएप में किसी का वीडियो भेजा या कोई भी फाइल भेजा, कुछ भी चीज़ें शेयर किया, तो मीडियम कौन है, व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप को आपको कंप्लीट डेटा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे BitTorrent जो है वो ऐसा यहाँ पे ब्लॉकचेन पे ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आपको P2P सर्विस, जिसके जरिए जो है आपका फाइल जो है वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब बिना सेंट्रल अथॉरिटी के परे जो है वो आप शेयर करेंगे। मतलब आप सोच रहे Web3 का ग्रेटेस्ट फंक्शन जो है वो ये प्रोजेक्ट लाया है, तो इसी की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है इस कॉइन में हैं, थे और अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। BitTorrent कॉइन फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, लेकिन डिनोमिनेशन के बाद में यहाँ पे बेयर मार्केट आ गया तब से, और कुछ करना ही नहीं था, लोग जो है मार्केट से आने के वजह लोग मार्केट से जा रहे थे, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट से या मार्केट से लोग जाएंगे तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट का हाल तो ख़राब होना ही है। तो अगर डिनोमिनेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिलता है, या थोड़ा बहुत अच्छा प्राइस में देखने को मिलता, लेकिन अभी उसका फेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली कोई बात है, यहाँ पे कोई घबराने वाला चीज़ नहीं है। BitTorrent का फंक्शन जो है वो अच्छा है, BitTorrent डेली बेसिस पर अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो अच्छा अच्छा अपडेट्स जो है वो दे रहा है, तो इसके चलते डेफिनेटली हमको पता है BitTorrent जो है वो फाइट बैक करेगा, पुल बैक करेगा और बुल मार्केट में काफ़ी अच्छा आपको एक रिटर्न बना के दिखा सकता है। अगर इसका प्राइस प्रेडिक्शन देखना है आपको तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें आप BitTorrent में इन्वेस्ट करना है या Shiba Inu में या Baby Dogecoin में, देखिए Shiba Inu एक टाइम तक यहाँ पे मीम कॉइन रहा और Baby Dogecoin जो है वो फिलहाल मीम कॉइन है ही। Shiba Inu का अगर हम बात करें, जितना चीज़ें Shiba Inu ने किया, कोई भी कॉइन, कोई भी क्रिप्टो करेंसी ने इतना कुछ चीज़ें जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में जो है वो इतना चीज़ें नहीं किया। Shiba Inu मतलब बहुत ही तगड़ा कॉइन है, वो इन सभी कॉइन्स का लीग से परे है। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे बोला था कि Shiba Inu का रैंक जो है वो 14 पे था, वो काफ़ी ज़्यादा फाइट बैक करके ऊपर आ जाएगा। अभी आपको आप यहाँ पे 10-11 का रैंक में जो है वो Shiba Inu का प्राइस जो है मार्केट कैप में Shiba Inu को देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली काफ़ी सारा वीडियोज़ में बात किया है इसके बारे में, तो Shiba Inu को कोई भी यहाँ पे हिला नहीं सकता। Shiba Inu का कंपेरिजन जो है वो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि Shiba Inu इतना कुछ चीज़ें ला रहा है। मैंने काफ़ी सारा वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसमें करूँगा तो फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा, वो वीडियोस का लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, या मेरे चैनल पे क्रिप्टो केबल Shiba Inu आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें दूसरा कॉइन, जैसे कि Baby Dogecoin, Baby Dogecoin हम सबको पता है कम्प्लीटली मीम कॉइन है, वो यहाँ पे डॉग्स को, अगर स्ट्रे डॉग्स जो है उनको यहाँ पे हेल्प करता है, उनको उनका ट्रस्ट को यहाँ पे हेल्प करता है, तो वो उसमें यहाँ पे माहिर है। पहले आया था कम्प्लीटली एक डॉग फेस्ड मीम कॉइन बनके, जिसका कोई यूज़ केसेस नहीं था, लेकिन अभी जो है वो डॉग फाउंडेशंस को या डॉग स्ट्रे डॉग्स का फाउंडेशन या स्ट्रे डॉग्स को हेल्प करता है अपना ट्रस्ट के जरिए। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ें हैं Baby Dogecoin कर रहा है, और Baby Dogecoin का नाम से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का रेसिंग जो है वो भी होता है, काफ़ी बड़े बड़े रेसिंग कंपनीज जो है वो Baby Dogecoin का ऐड करते हैं, क्योंकि Baby Dogecoin ऐसा चीज़ें कर रहा है, वहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो Baby Dogecoin भी डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट दे रहा है, कोई डेड कॉइन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे Shiba Inu से काफ़ी ज़्यादा डाउन में है। लेकिन अगर हम बात करें होल्डर्स का, तो Baby Dogecoin में Shiba Inu से भी ज़्यादा होल्डर्स है। जी हाँ, Baby Dogecoin में ज़्यादा होल्डर्स है, और ये भी बात आप माइंड करके रखना, ये भी बात आप फोकस में रखना कि Baby Dogecoin को बुल रन नहीं मिला।
बेबी डोजकॉइन को बुल रन नहीं मिला, जब यहाँ पे बुल रन था तब यहाँ पे बुल रन का फायदा जो है वो शिबाइनू को और डोजकॉइन को मिला। अभी नेक्स्ट बुल रन जो है उसमें बेबी डोजकॉइन का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है वो रिटर्न बना के दिखा सकता है। तो इसीलिए बेबी डोजकॉइन का भी ऊपर फोकस कीजिएगा। शिबाइनू जो है वो तो इस लीग से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अब शिबाइनू टक्कर करेगा सोलाना, पॉलीगॉन, XRP इन सब बड़े बड़े कॉइन्स के साथ जो है वो जाकर टक्कर करेगा कुछ दिनों बाद नेक्स्ट बुल रन में। तो ये चीज़ आप देखना। बिटटोरेंट जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, होल्ड कर लिए अगर आपने बाय करके रखा हुआ है डेफिनेटली उसको होल्ड करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल मत कीजिएगा क्योंकि मार्केट में और भी ज़्यादा यहाँ पे उबड़ खाबड़ जो है वो रह सकता है या एक ही पोजिशन पर कॉन्सोलिडेट करेगा। तो इसीलिए कुछ देर कुछ समय जो है वो यहाँ पर रह जाइए, आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा। बिटटोरेंट जो है इस जो रेंज बाउंड है उसको अगर क्रॉस करके ऊपर की दिशा में जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे जो है वो सिग्नल दे दूंगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन करके रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बिटटोरेंट और शिबाइनू के बारे में डिटेल में जानना है तो साइड में यहाँ पे वीडियो देखने को मिल रहा है, इस पर जाके क्लिक कीजिए, जाके वीडियो को देखिए कंप्लीट। साथ ही यहाँ पे क्रिप्टो केबल का लोगो देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thank you.